गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम वेलनेस के ऊपर बात करेंगे। अक्सर हेल्थ एक ऐसा सेगमेंट है या एक ऐसा एरिया है जहां पर हम सभी बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, और हर भारतीय आज चाहता है फिट रहना और हेल्दी रहना। तो दोस्तों, वेस्टीज आपके लिए सबसे पहले आपकी सेहत अच्छी करता है, और सेहत के साथ साथ आप यहां से दौलत कमा सकते हैं। सप्लीमेंट्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं, लोग इस पर कई बार टिप्पणी करते हैं, कई बार लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि सप्लीमेंट्स दवाइयां नहीं हैं। दोस्तों, ये सप्लीमेंट्स कैप्सूल फॉर्म में जरूर हैं, पैक्ड फॉर्म में जरूर हैं, टैबलेट फॉर्म में जरूर हैं, बट सोच के देखिए, आंवला हर जगह उपलब्ध नहीं है, नीम आप खा नहीं सकते, तो जो सप्लीमेंट्स हैं ये दवाइयां नहीं हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए, कुछ सप्लीमेंट्स मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं। कहते हैं एविडेंस डिफीट्स डाउट्स। जब आप इनके बारे में लोगों को अवेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे अच्छे से कि सप्लीमेंट्स दवाइयां नहीं हैं, सप्लीमेंट्स एक चौकीदार की तरह हैं जो हमारे शरीर में बीमारियों को दूर रखते हैं। आज हमारा भोजन कितना पौष्टिक है ये हम सभी जानते हैं। आज ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे खेतों में अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन के रूप में एक्युमुलेट हो रहा है और जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। हमारा भोजन में वो पौष्टिकता नहीं रहेगी, चाहे वो सब्जी की बात कर लें, चाहे फ्रूट्स की बात कर लें। और आज हमें हर चीज़ फास्ट चाहिए, तो जो ये फास्ट चीज़ें जो आपको प्रोवाइड हो रही हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर स्प्रेज का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारे शरीर में जाकर टॉक्सिन्स बन रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, चेंज ऑफ सीजन से या कई कारण से हम बीमार पड़ जाते हैं, और यही कारण है कि आज हमारे अंदर इम्यूनिटी भी हमारी कम होती जा रही है। सप्लीमेंट्स वो चीज़ है जो एक फूड सप्लीमेंट है, आहार पूरक, यानी आपके शरीर में आपके आहार को पूरा करते हैं, यानी आपको अपने खाने के साथ, भोजन के साथ इन सप्लीमेंट्स को लेना है ताकि आप फिट रहें, हेल्दी रहें और अपने परिवार के लोगों को भी हेल्दी रखें। आज अगर मैं बात करूँ, हम भारतीयों में हर दूसरा, हर छठा कोई जॉइंट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, एसिडिटी है। सप्लीमेंट्स आपको अच्छा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कुछ सप्लीमेंट्स की, वेस्टीज की शुरुआत से ही, आज 17 साल हो गए हैं वेस्टीज को, 17 साल से भी हेल्थ केयर के ऊपर मैक्सिमम फोकस था, और आज तो वेलनेस इंडस्ट्री की बोलबाला है। 2025 तक ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा करने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जहां पर आपको हेल्दी रहना है, लोगों को हेल्दी करना है, लोगों को अवेयर करना है। सीबकथॉर्न की बात करूं, सीबकथॉर्न एक ले बेरी, ले में पाई जाती है, उससे है, इसके बारे में इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एनर्जी देता है। डीआरडीओ अपने भारतीय जवानों को इसको देती है, अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी को देता था, एनर्जी बूस्टर है। एलोवेरा के बारे में हम सभी जानते हैं, कोकोनट ऑयल, आंवला, प्रोस्टेट, हर छठे भारतीय, हर 70% भारतीयों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, मेल्स को। ग्लूकोसामाइन जॉइंट्स की प्रॉब्लम, कैल्शियम, माय डियर फ्रेंड्स, ये कैल्शियम पानी में डालेंगे बिल्कुल घुल जाएगा। अक्सर जब हम कमर्शियल मार्केट में कैल्शियम लेते हैं, डॉक्टर कहता है 3 महीने बाद आप कैल्शियम को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि वो स्टोन्स करता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये कैल्शियम को जब आप पानी में डालेंगे, बिना कोई चीज करे हुए, बिना हिलाए हुए, आप देखेंगे पानी में ये घुल जाएगा, ये घुलनशील है। नीम के गुण के बारे में सभी जानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा कहा जाता है एविडेंस डिफीट्स डाउट्स। जब आप ये सप्लीमेंट्स को कभी भी किसी भी टाइम लेने को तैयार हो जाएंगे, ये दवाइयां नहीं है, सिंपल, ये मेरे शरीर में जाकर मेरे शरीर को अच्छा करेगी, सिंपल सी बात है। अब ये सप्लीमेंट्स को ये विश्वास, ये बिलीफ मुझे आज से नहीं, 2 साल से मैं सप्लीमेंट्स ले रहा हूं, 2 साल से पहले नहीं लेता था, पर वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद मैंने जाना सप्लीमेंट्स आपके शरीर में कितने इफेक्टिव हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, मैं एक छोटा सा डेमो भी आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, ये थर्माकोल है ना, ये गलता है और ना ही जलता है। अब मैंने इसको अपने हाथ में रखा, और ये फ्लैक्सीड कैप्सूल, अलसी के बीज के कैप्सूल, मैं इसको पंचर करके अपने हाथ पे डालूंगा थर्माकोल के ऊपर। थर्माकोल ना गलता है ना जलता है, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको इस थर्माकोल के ऊपर डालूंगा तो देखिए ये क्या करने वाला है। कहा जाता है कि हमारे शरीर में चर्बी भी ऐसे ही बनावट की होती है थर्माकोल की जैसी। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैंने फ्लेक्स का एक कैप्सूल लिया,
और इसको इस थर्माकोल के ऊपर डाला। यही कैप्सूल, यही काम मेरे शरीर में भी करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल, आप ये देख पा रहे हैं ये थर्माकोल का क्या हल हुआ और कितनी जल्दी हुआ। बिल्कुल देखेंगे आप, ये बिल्कुल मेल्ट कर जाएगा, पानी बन जाएगा। ये ऑयल है, इसको आप लगा भी सकते हैं अपने शरीर में, घुटनों में दर्द हो घुटने में लगा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके शरीर में से चर्बी का ये हाल होने वाला है। सोच के देखिए, अब ये मैंने भी खाया तो यहां पर एक प्रोज्यूमर, प्रोफेशनल कंज्यूमर, जो खुद खाता है, इस्तेमाल करता है, तभी दूसरों को कहता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस है जहां पर आपको इस्तेमाल करेगा मालामाल। माय डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि थर्माकोल ने का क्या हाल हुआ। इस थर्माकोल को अगर आप पानी में भी डालेंगे तो गलेगा नहीं, और अगर आग भी लगाएंगे तो जलेगा नहीं। पर अलसी के बीज के कैप्सूल थर्माकोल के ऊपर क्या असर करते हैं आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल पानी बन गया। अब इसको आप अपने घुटनों में या कहीं पर भी जहां पर दर्द हो रही हो वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा असरदार ऑयल है, इसको हम पोंछ देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्स के बारे में आपको अगर कुछ भी जानकारी हो, आप कंपनी की ईमेल पर, वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। कंपनी के डाइटिशियंस को ईमेल कर सकते हैं, आप हमसे फ़ोन के माध्यम से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जितना अवेयर होंगे अपनी हेल्थ के लिए और दूसरों को हेल्दी रखेंगे, उतना आप इस बिजनेस में अच्छा करेंगे। सप्लीमेंट्स आपके फर्स्ट ऑर्डर से ही यूज़ होना चाहिए। हर घर में हर व्यक्ति को आज स्पायरुलिना, नोनी, और अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, तो ये जरूरी है। क्योंकि आप हेल्दी रखेंगे, आप अपने सेहत का शुरू से ही ध्यान रखेंगे तो फिट भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे और लोगों को भी हेल्दी रखेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।